सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम RGB ट्यूबलाइट बनाने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स हमने इसको खराब ट्यूबलाइट की मदद से बनाया है और जो कि हमने इसको मात्र 50 से 60 रुपए के अंदर बनाया है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आइए वीडियो करते स्टार्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें तो एक खराब ट्यूबलाइट ले लेना है, जो कि मेरे घर पर बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसके अंदर के सारे सामान को बाहर निकाल देने वाले, जो कि इसके अंदर जो लाइट होता है और जो सर्किट होता है सभी को निकालने के बाद उसको जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो ट्यूबलाइट है अंदर से पूरा खोखला हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसका ढक्कन को लेने वाले हैं और इसमें करने वाले छोटा सा छेद, जो कि हम इससे वायर को बाहर निकालने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर छोटा सा छेद कर दिया वायर निकालने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमने RGB स्ट्रिप लाइट लिया, जो कि फ्रेंड्स ये मुझे मात्र 40 रुपये का पड़ा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें सिंपली करना है कि इसे हम अपने खराब ट्यूबलाइट के अंदर फिट करने वाले। फिट करने के लिए फ्रेंड्स हमने इसके अंदर से जहाँ से लाइट निकाला था हमें वहीं पर इसको आराम से फिट करना था। हम उसके अंदर कुछ इस टाइप से रख के हम इसको धीरे धीरे धकेल कर पूरा एंड तक लेके जाने वाले हैं और हम इसको कुछ इसी तरीके से इसके अंदर लगाने वाले हैं। फ्रेंड्स आपके साथ अगर ऐसा नहीं हो पा रहा हो तो फ्रेंड्स आप उसको ग्लू गन की मदद से भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने इसको पूरी बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें सिंपली करना है कि हमने एक छोटा सा PVC पाइप का टुकड़ा लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसके अंदर एक छोटा सा छेद करने वाले हैं, जो कि हम इस छेद के अंदर एक फीमेल कनेक्टर को लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर छेद कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर एक छेद कर लिया है, इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके अंदर अपना फीमेल कनेक्टर को लगाने वाले हैं। फीमेल कनेक्टर को लगाने के बाद एक PVC शीट लिया है, जिसको हमने सर्कल शेप में काट लिया है। उसके अलावा फ्रेंड्स हमने इसके अंदर दो छेद किया है छोटे छोटे। एक छेद के अंदर तो हम अपने ट्यूबलाइट को लगाने वाले हैं और दूसरे छेद के अंदर हम अपने ओपन को लगाने वाले हैं। तो जल्दी से इसके अंदर हम अपने ट्यूबलाइट को फिट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हम अपने ट्यूबलाइट को इसके अंदर फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको ग्लू गन की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से चिपका देंगे, जिससे कि बाहर ना निकले। तो जैसे कि भाइयों हमने इसको ग्लू गन की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से चिपका दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके अंदर अपने स्विच को लगाने वाले हैं। स्विच को लगाने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो RGB जो लाइट है इसका प्लस माइनस होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो रेड वायर है जो कि प्लस है, तो फ्रेंड्स इसके प्लस साइड को हम अपने ओपन के एक साइड के साथ कनेक्ट कर देने वाले हैं। तो उसको मैं जल्दी से शोल्डरिंग कर देता हूँ। शोल्डरिंग करने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो PVC पाइप है, PVC पाइप के अंदर हमने जो कनेक्टर लगाया हुआ था हम उस कनेक्टर का भी प्लस साइड लेंगे। अब प्लस साइड को लगाने के बाद इसको हम अपने ओपन के साथ जोड़ देंगे, जिससे कि फ्रेंड्स हमारे जो ओपन का इसका कनेक्शन हो जाता है। इसका कनेक्शन होते ही फ्रेंड्स हमारा जो माइनस का जो वायर बच जाता है ब्लैक वायर, उसको हम अपने हाथ से बहुत ही अच्छी तरह से चिपका देंगे। तो मैं जल्दी से इसकी सारी वायरिंग कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने इसके सारी वायरिंग कर दी है, वायरिंग करने के बाद हम इसको फेविक्विक की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से चिपका देंगे। इसको चिपकाने के बाद जैसे कि फ्रेंड्स हमने PVC शीट को कुछ ट्रायंगल शेप में काट लिया, तो हमने 3 PVC शीट को ट्रायंगल शेप में काट लिया। इसको हम अपने PVC पाइप के ऊपर चिपकाने वाले हैं। इसको चिपकाने के लिए हम इसको कुछ इस टाइप से रखने वाले। रखने के बाद फ्रेंड्स हम इसको भी फेविक्विक की मदद से बहुत अच्छी तरह से चिपका देते। चिपकाने के बाद जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम इसके तीनों कोनों को बहुत ही अच्छी तरह से चिपका दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके ऊपर भी कलर करने वाले। तो कलर करने के बाद आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स ज्यादा देर नहीं करता इसके ऊपर आपको चालू करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। उससे पहले फ्रेंड्स आपने अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो जो कि फ्रेंड्स दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स हमारा जो कैमरा है कैमरा थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का नहीं, इसलिए थोड़ा अच्छे से पता नहीं चल रहा, लेकिन फ्रेंड्स रियल में दिखने में बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।